Hello students, welcome. How are you? All are fine. Good. Today's our subject is Hindi. Welcome to our Hindi class, students. What we learn today? Today learn is vyanjan gna. Gna se gnani. Gna gna se gnani. How to write vyanjan gna? Standing line, sleeping line, turn, turn, and turn. Upar sleeping line vyanjan. ग्न, ग्न से ज्ञानी और दूसरी तरीके से भी आप लिख सकते हो. कैसे लिखोगे? स्टैंडिंग लाइन बन स्टैंडिंग लाइन, फिर बाद में ड से डमरू और वहां से टन और ऊपर स्लीपिंग लाइन. ग्न, ग्न से ज्ञानी. लेट्स स्टार्ट राइटिंग नाउ. हाउ टू राइट व्यंजन ग्न? स्टैंडिंग लाइन, स्लीपिंग लाइन, टर्न, टर्न, टर्न एंड स्लीपिंग लाइन. व्यंजन ग्न, ग्न से ज्ञानी. 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 हाउ टू राइट व्यंजन ग्न स्टूडेंट्स? स्टैंडिंग लाइन, स्लीपिंग लाइन, टर्न, टर्न एंड टर्न एंड स्लीपिंग लाइन. व्यंजन ग्न, ग्न से ज्ञानी. 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 तो स्टूडेंट्स, हमने कितनी अच्छी तरीके से व्यंजन ग्न की प्रैक्टिस की ना. और व्यंजन ग्न लिखना कितना इजी है ना. हाँ, इजी ही है. और ये हमारा आज का लास्ट व्यंजन था. क्या था लास्ट व्यंजन? अभी तक हमने क से ग्न तक व्यंजन की प्रैक्टिस की है. यहाँ पर हमारी हिंदी कलम क्या होती है? कंप्लीट. और अभी हम वन टाइम क से ग्न की प्रैक्टिस करेंगे. किसकी करेंगे? क से ज्ञ की. जो व्यंजन आप लोगों ने आगे सीख लिए, उन सारे व्यंजन की प्रैक्टिस अभी हम यहाँ पर करेंगे. और यहाँ पर हमारी हिंदी की कलम कंप्लीट होती है. तो चलो स्टूडेंट्स, लेट्स स्टार्ट. फर्स्ट व्यंजन कौन सा आएगा? व्यंजन क. क से कमल. व्यंजन क, क से कमल. व्यंजन ख, ख से खरगोश. व्यंजन ग, ग से गमला. व्यंजन क, क से घर. व्यंजन अंग, अंग से कुछ नहीं. च, च से चम्मच. च, छ से छाता. च, च से जहाज. ज, ज से झंडा. अंग, अंग से कुछ नहीं. ट, ट से टमाटर. ठ, ठ से ठठेरा. ड, ड से डमरू. ढ, ढ से ढक्कन.
ण ण से फण, त त से तलवार, थ थ से थर्मस, द द से दवात, ध ध से धनुष, न न से नाव, प प से पतंग, फ फ से फल, ब ब से बतख, भ भ से भालू, म म से मछली, य य से यज्ञ, र र से रथ, ल ल से लड्डू, व व से वजन, श श से शहनाई, श श से षटकोण, स स से सपेरा, ह ह से हल, क्ष क्ष से क्षत्रिय, त्र त्र से त्रिशूल, ग्न ग्न से ज्ञानी। तो स्टूडेंट्स, अभी हमने क्या सीखा? व्यंजन क से ज्ञ एंड व्यंजन ज्ञ। अभी हम क्या सीखने वाले हैं? आगे अभ्यास, वो अभी हम अपनी टेक्स्ट बुक में देखते हैं। तो चलो स्टूडेंट्स, अभी हम अपनी टेक्स्ट बुक में अभ्यास देखते हैं। फर्स्ट क्वेश्चन कौन सा है? बाद में आने वाला अक्षर लिखिए। यहाँ पर हमें व्यंजन दिया हुआ है, उसके बाद जो व्यंजन आता है वो हमें लिखना है। ये कौन सा व्यंजन है? व्यंजन क, क से कमल। तो क से कमल के बाद कौन सा व्यंजन आता है? व्यंजन ख, ख से खरगोश। व्यंजन ज, ज से जहाज। ज से जहाज के बाद कौन सा व्यंजन आता है? व्यंजन ज, ज से झंडा। प, प से पतंग। प से पतंग के बाद कौन सा व्यंजन आता है? व्यंजन फ, फ से फल। ये कौन सा व्यंजन है? व्यंजन च, च से चम्मच। च से चम्मच के बाद कौन सा व्यंजन आता है? व्यंजन छ, छ से छाता। म, म से मछली। मछली के बाद कौन सा व्यंजन आता है? व्यंजन य, य से यज्ञ। व्यंजन द, द से दवात। व्यंजन द के बाद कौन सा व्यंजन आता है? व्यंजन त, त से धनुष। व्यंजन ह, ह से हल। ह के बाद कौन सा व्यंजन आता है? व्यंजन क्ष, क्ष से क्षत्रिय। व्यंजन ख, ख से खरगोश। ख से खरगोश के बाद कौन सा व्यंजन आता है? व्यंजन ग, ग से गमला। व्यंजन ट, ट के बाद कौन सा व्यंजन आता है? व्यंजन ठ, ठ, ठ से ठठेरा। व्यंजन न, ण से फण। ण से फण के बाद कौन सा व्यंजन आता है? व्यंजन त, त से तलवार। व्यंजन ब, ब से बतख। ब से बतख के बाद कौन सा व्यंजन आता है? व्यंजन भ, भ से भालू। व्यंजन श, स से षटकोण। श से षटकोण के बाद कौन सा व्यंजन आता है? व्यंजन स, स से सपेरा। व्यंजन ल, ल से लट्टू। ल से लट्टू के बाद कौन सा व्यंजन आता है? व्यंजन व, व से वजन।
व्यंजन ड, ड से डमरू, ड से डमरू के बाद कौन सा व्यंजन आता है? व्यंजन ढ, ढ से ढक्कन। व्यंजन य, य से यज्ञ, य से यज्ञ के बाद कौन सा व्यंजन आता है? व्यंजन र, र, र से रथ। अभी नेक्स्ट वन देखें आगे, बीच में आने वाला अक्षर लिखिए। देखो यहाँ पर दोनों साइड व्यंजन दिए हुए, दिए हुए उसमें जो बीच में उसका करेक्ट व्यंजन आता है वो हमें लिखना है, बिटवीन व्यंजन। ह, ह से हल, त्र, त्र से त्रिशूल, तो बीच में कौन सा व्यंजन आएगा? व्यंजन क्ष, क्ष से क्षत्रिय। व्यंजन क, क से कबूतर, ग, ग से गमला, तो बीच में कौन सा व्यंजन आएगा? व्यंजन ख, ख से खरगोश। व्यंजन ड, ड से डमरू। व्यंजन ण, ण से फण, तो इस बीच में कौन सा व्यंजन आएगा? व्यंजन ढ, ढ से ढक्कन। र, र से रथ। व, व से वन, तो बीच में कौन सा व्यंजन आएगा? व्यंजन ल, ल से लट्टू। ट, ट से टमाटर, ड, ड से डमरू, तो बीच में कौन सा व्यंजन आएगा? ठ, ठ से ठठेरा। क्ष, क्ष से क्षत्रिय, ज्ञ, ज्ञ से ज्ञानी, बीच में कौन सा व्यंजन आएगा? त्र, त्र से त्रिशूल। प, प से पतंग, ब, ब से बतख, तो बीच में कौन सा व्यंजन आएगा? व्यंजन फ, फ से फल। च, च से चम्मच, च, च से जहाज, तो बीच में व्यंजन कौन सा आएगा? छ, छ से छाता। प, प से पालू, य, य से यज्ञ, तो बीच में कौन सा व्यंजन आएगा? व्यंजन म, म से मछली। म, म से मछली। र, र से रथ, तो बीच में कौन सा व्यंजन आएगा? व्यंजन य, य से यज्ञ। त, त से तलवार, द, द से दवा, तो बीच में कौन सा व्यंजन आएगा? व्यंजन थ, थ से थर्मस। श, श से शहनाय, स, स से सपेरा, तो बीच में कौन सा व्यंजन आएगा? व्यंजन स, स से षटकोण। लास्ट वन है, चित्र देखकर उसके नाम का पहला अक्षर लिखिए। ये कौन सा चित्र है स्टूडेंट्स? षटकोण, क्ष, स से षटकोण, तो यहाँ पर क्या आएगा? श, व्यंजन श, श से षटकोण। ये कौन सा व्यंजन है? व्यंजन ह, ह से हल, तो यहाँ पर कौन सा व्यंजन आएगा? व्यंजन ह, ह से हल। ये कौन सा व्यंजन है, चित्र है स्टूडेंट्स? क्षत्रिय, क्ष, क्ष से क्षत्रिय, तो यहाँ पर कौन सा व्यंजन आएगा? व्यंजन क्ष, क्ष से क्षत्रिय। व्यंजन क्ष, क्ष से क्षत्रिय। ये कौन सा चित्र है स्टूडेंट्स? त्रिशूल, त्र, त्र से त्रिशूल, तो यहाँ पर कौन सा व्यंजन आएगा? व्यंजन त्र, त्र से त्रिशूल। व्यंजन त्र, त्र से त्रिशूल। ये किसका चित्र है स्टूडेंट्स? ज्ञानी, ज्ञ, ज्ञ से ज्ञानी, तो यहाँ पर कौन सा व्यंजन आएगा? व्यंजन ज्ञ, ज्ञ से ज्ञानी। तो स्टूडेंट्स आज हमने क्या क्या सीखा? व्यंजन ज्ञ एंड क से ज्ञ तक के व्यंजन, सारे हमने व्यंजन की प्रैक्टिस की और अभ्यास, तो आपको इन सब की प्रैक्टिस अपनी टेक्स्ट बुक में करनी है। ओके स्टूडेंट्स,